नमस्कार दोस्तों, दोस्तों, स्वागत है आपका देवरानी जेठानी की दुनिया में। दोस्तों, आज हम आपको हल्दी गीत तो सुनाने जा रहे हैं। सुनिए, आप कैसा लगता है बताइए। और इस हल्दी गीत की एक खास बात है, मतलब वैसे ये मजाक के लिए ही है, कोई बड़ा नहीं मानेगा। जैसे कि शादी में कोई नाराज हो जाते हैं, कोई भी रिश्तेदार होते हैं, सही है। तो इसमें तो सभी का नाम लिया गया है, लेकिन जो आपके आप जैसा शादी में गा रहे हैं और आपके जो रिश्तेदार होते हैं, तो उनका ही आप पद मतलब लेके गा गा सकती सकते हैं। हो। और मैं जी, ये एक कॉमेडी है और और दिल कोई पे मत लगाइए कोई। तो सुनिए, आपको कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताएं। जिंदगी की ना टूटे आज बनने को हल्दी चढ़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी आज बनने को हल्दी चढ़ी। उसके बाबा का होना भी क्या, जो कि शादी रानी तो कब से खड़ी, आज बनने को हल्दी लड़ी। ताई रानी तो कब से खड़ी, आज बनने को हल्दी चढ़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी आज बनने को हल्दी चढ़ी। उसके चाचा का होना भी क्या, जो कि शादी में शामिल नहीं। उसके पापा का होना भी क्या, जो कि शादी में शामिल नहीं। चाची रानी तो कब से खड़ी, आज बनने को हल्दी चढ़ी। मम्मी रानी तो कब से खड़ी, आज बनने को हल्दी चढ़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी आज बनने को हल्दी चढ़ी। उसके फूफा का होना भी क्या, जो कि शादी में शामिल नहीं। उसके मौसा का होना भी क्या, जो कि शादी में शामिल नहीं। बुआ रानी तो कब से खड़ी, आज बनने को हल्दी चढ़ी। मौसी रानी तो कब से खड़ी, आज बनने को हल्दी चढ़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी आज बनने को हल्दी चढ़ी। उसके जीजा का होना भी क्या, जो कि शादी में शामिल नहीं। उसके भैया का होना भी क्या, जो कि शादी में शामिल नहीं। जीजी रानी तो कब से खड़ी, आज बनने को हल्दी चढ़ी। भाभी रानी तो कब से खड़ी, आज बनने को हल्दी चढ़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी आज बनने को हल्दी चढ़ी। उसके नाना का होना भी क्या, जो कि शादी में शामिल नहीं। उसके मामा का होना भी क्या, जो कि शादी में शामिल नहीं। नानी रानी कब से खड़ी, आज बनने को हल्दी लड़ी। मामी रानी तो कब से खड़ी, आज बनने को हल्दी चढ़ी।
जिंदगी की न टूटे लड़ी, आज बनने को हल्दी चढ़ी। जिंदगी की न टूटे लड़ी, आज बनने को हल्दी चढ़ी।